हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिलेज मिल में। आज हम बनाने वाले हैं मावा मलाई रोल कट। इसके लिए हमें चाहिए शुगर, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर और मिल्क। सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे 3/4 कप शुगर। इसको कैरमलाइज करना है, उसके लिए हम इसको मेल्ट होने देंगे। देखिए, हमारी शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको साइड में ले लेंगे और पैन में ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। अब हम उसमें हमारा कैरमलाइज्ड शुगर ऐड करेंगे। शुगर ऐड करने के बाद वो इस तरह से थिक हो जाएगा, बट धीरे धीरे वो भी मेल्ट हो जाएगा। देखिए, हमारा कैरमलाइज शुगर मेल्ट हो चुका है। अब हम बॉल में ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 कप वाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे कि उसमें कोई लम्प्स ना रहे। हमारा बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए उसके बाद हम उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमारा मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है। अब हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। अब इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने रख देंगे। अब हम एक बॉल में ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर और 1/2 कप मिल्क। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे इसमें कोई लम्प्स ना रहे। आप हमारे मिल्क पाउडर मिक्सचर को पैन में ऐड करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। इसको स्लो फ्लेम पर कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। इससे हमारा इंस्टेंट मावा रेडी हो जाएगा। अगर आप इंस्टेंट मावा घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप रेडीमेड मावा भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हमारा मावा रेडी है। अब मावा मिक्सचर को भी मलाई मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम कोई भी वेसल में इसको ले लेंगे। अगर आप एल्यूमिनियम वेसल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर देंगे। तो रेडी है हमारा मावा मलाई रोल कट।
अगर आपको हमारे वीडियोस और रेसिपी पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक लाइक तो बनता है ना। आप हमें अपना एक्सपीरियंस नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।